आज की वीडियो में घर पर प्लगिंग किस तरह कर सकते हैं वो आप लोगों को सिखाती हूँ जो बिल्कुल नए हैं, उनको नहीं पता कि थ्रेड कैसे पकड़ते हैं और प्लगिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें तो आप लोगों को प्लगिंग करना घर में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में सीख सकते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से ईद आने वाली है। और जी ईद से पहले पहले आप लोगों को, जैसे कि लॉकडाउन भी चल रहा है, आप लोग सैलून्स भी नहीं जा सकते, तो बहुत सारे काम्स हैं, फेशियल है, ब्लीच है, स्किन पॉलिश है, वैक्स है, मेहंदी है, आईब्रोज है, अपर लिप्स है, इस तरह के सारे काम आपको घर पर ही करने चाहिए। और अगर आपको घर पर करने का तरीका नहीं आता तो मैं आज आप लोगों को अपने आईब्रो बनाना सिखाऊंगी घर पर, आप किस तरह बना सकते हैं ऐसे करके, और बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। उनके लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने रास्ते में रख लिया। सबसे पहले हमें चाहिए हमारे पास ऐसा ब्रश, अगर हमारे पास ऐसा ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी आम सा कंघा लेंगे और उससे अपने आईब्रोज को कॉम कर लेंगे तो ये डन है। उसके बाद हमें चाहिए ऐसी सीजर, अगर आपके पास घर में छोटी सीजर मौजूद नहीं है तो आपके पास जो कपड़े काटने वाली बड़ी सीजर है उससे भी आप काम चला सकते हैं। सो अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये भी हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें घर में होती हैं। उसके बाद हमें चाहिए ट्यूज़र्स, जो मैं यहाँ पे ट्यूज़र यूज़ कर रही हूँ वो टू वे है, वन वे इस तरह का है और वन वे इस तरह। और सबसे मेन जो चीज़ हमें चाहिए थ्रेड, तो मैं यहाँ पे टच वालों का थ्रेड ले रही हूँ, ये इस तरह का होता है कॉटन टच, तो ये थ्रेड जो होता है ना ये बारीक थ्रेड होता है और ये टूटता नहीं है जल्दी, इस तरह का होता है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, सैलून में ज़्यादा यही यूज़ होता है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस थ्रेड को खोलना है और मैक्सिमम इतना खोलना है कि ये हमारा डबल होने पे इतना हो जाए, ठीक है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपको कितना खोलना चाहिए तो आपने अपने हाथ को यूँ एक और एक यूँ, ठीक है, दो हाथ आपने धागा ले लेना है और उसको कर लेना है बाइंड, उसको काट लेना है। अब मैं इतना धागा ले रही हूँ, ये ऑलमोस्ट इतना धागा है, अब इसको यहाँ से हम करेंगे बाइंड ऐसे। तो प्लकिंग का जो पहला स्टेप है वो हम करते हैं, सबसे पहले ये धागा तो बाइंड हो गया, अब मैं इसको एक साइड पर रख देती हूँ। सबसे पहले हमने ब्रश उठाना है, आपके पास ब्रश नहीं तो आपने कॉम लेना है और इसको अच्छी तरह आपने कॉम करना है इस तरह, और इनको ऐसे, ठीक है, इसको कॉम करना है। फिर हमने सीजर लेनी है, सीजर को हमेशा हमने यूँ रखना है, ठीक है, कभी भी आपने सीजर को यूँ नहीं रखना, यूँ नहीं रखना, यूँ सीधा रखना है। अब देखिए मैंने सीजर को यूँ सीधा सेट किया और ये बाल काट दिए, फिर अगेन सेट किया, ये बाल काट दिए। अब देखिए डिफरेंस, हमने पहले, अगर हम स्टार्ट में ही यूँ रखेंगे सीजर और कट कर देंगे तो वो हमारी ऊंची नीची कट हो सकती है, इसलिए जो लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं या जो घर में कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट यही है कि आप सीजर को यहाँ पे सेट रखें और काट दें, फिर सेट रखें, फिर काट दें, फिर सेट रखें, फिर काट दें, ओके। अब हमने क्या करना है, कॉम करेंगे अगेन, ये लाइट पता नहीं क्यों ऐसा करती, मुझे नहीं समझ आता। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको पसीना आ रहा है तो आप इस पर टालकम पाउडर भी लगा सकते हैं। ये हमारा थ्रेड है, हमने इसको 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना कर लेना है। अब यहाँ से थ्रेड हमने रखना है सीधा और यूँ चला देना, फिर यहाँ से थ्रेड सीधा और यूँ चला देना, यहाँ से थ्रेड सीधा और यूँ चला देना। मैं मोबाइल से ही देख के कर रही हूँ, मेरे पास मिरर नहीं है यहाँ पे, वरना मिरर से अच्छा हो। अच्छा, फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपने यहाँ से यूँ लेके आना है और ये बाल निकाल देने हैं, ठीक है, फिर यहाँ से यूँ लेके आना है और ये बाल निकाल देने, ये आपके बाल निकल गए, ये सारे बाल निकल गए। अब बारी आती है इस चीज़ की, ठीक है, अब हमने इस नोक से रख के थ्रेड इस नोक तक लेके आना है, ऐसे बालों को कर लेंगे ऐसे, ये देखिए। कभी भी आपने डायरेक्ट इसके साथ रख के नहीं चलाना, एक दफ़ा कर लें, दो दफ़ा कर लें, इतनी मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक ही दम, मतलब यहाँ पे धागा रखें और एकदम नीट कर देंगे, आहिस्ता काम कर लें लेकिन ख़राब काम नहीं करें, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं ब्लैकिंग ईद पे या आपकी वीडियो देख के आप किसी से भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें और इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये बनी हुई नज़र आ रही है। मैं अपनी ब्रोज को बहुत लाइट सा बनाती हूँ कि मतलब शेप भी बनी हुई नज़र आए और इतना ओवर भी ना हो। अब देखिए यहाँ पे आपको बाल नज़र आ रहे हैं, बस मैंने यही निकालने और यहाँ से ये थोड़े से। अब हमने क्या करना है, ऊपर से हमारी नीट होगी, अब हमने इसको इस तरह उठाना है और यहाँ से फिर अगेन ऐसे,
यहाँ से जिस्म जो होता है ना वो थोड़ा सा नाजुक हो देते हैं, तो अब ये वाली साइड साफ कर देते हैं, तो खुद बनानी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप यूँ उठा के रखेंगे ना तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोई पास है तो उसे कहीं ऐसे पकड़ ले, होल्ड करने से भी आपको ये इजीली निकल जाएगा। अब ये एक बाल रह गया है, यहाँ से हम वो निकालते हैं। ठीक है, इतनी जब हमारी बन जानी है ना ब्रोस, फिर हमने ये ट्यूसर्स उठाना है, ठीक है, और यहाँ से हमने इस तरह बाल निकालने शुरू करना। इसको भी ध्यान से यूज़ करना है, कहीं आपका चुभ ना जाए, कि मतलब इस तरह इसको जिस्म को नहीं आप अंदर ले ले, ठीक है। ये जैसे यहाँ से मैं आपको बाल पकड़ना सिखाती हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह डालना है और बालों को ऐसे खींचना है, मतलब जिस तरफ आपका बाल होगा उसी तरफ ये खींचना है। अगर आप बाल इस तरफ के और आप इस तरफ खींचेंगे तो बाल ऊपर से टूटेगा, आपका बाल अंदर से निकलेगा नहीं। बिल्कुल भी कैमरा बंद नहीं किया इसमें, और ये आपके सामने जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको यहाँ से ये दो तीन बाल निकाल देंगे। ये उनके लिए टिप हैं जो सिर्फ पार्लर से करवाते थे, सैलून से जाते थे इस पे, या शादियों पे या कहीं भी जाना हो तो अब वो घर बैठ के खुद भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मेरे ये वाला बाल एक ऊंचा है ये वाला, बस इतनी सी नीट भी ठीक होती है। बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा उठी हुई आप बना देंगे तो वो आपका बहुत पक्का पक्का सा मुंह लगता है, बना बनाया सा वो नहीं अच्छा लगता। इस तरह की नेचुरल नेचुरल लुक देती है और आप बहुत डिसेंट लगते हैं। अब आपको मैंने ये बनाना सिखा दी, तो अब मैं जल्दी से ये बनाती हूँ और फिर आपके सामने आती हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। आपने इस ब्रश को लेना है और इस तरह इसको उठाना है, उसके बाद आपने ये सीज़र जो है यहाँ पे, जो सबसे बड़ी गलती होती है जब आप खुद करते हैं तो आपकी गलती सिर्फ ये होती है कि आप सीज़र को यूँ चलाते हैं। जब आप सीज़र को यूँ चलाएंगे तो वो आपकी यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊँची हो जाएगी, तो फिर वो आपसे खुद सेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सीज़र को हमेशा यूँ सीधा रखा करें, और कटिंग जो है ना वो सिर्फ यहाँ तक करनी है, ठीक है। यहाँ जब जहाँ से आपका लेंथ स्टार्ट हो रहा है सिर्फ आपने वहाँ तक कटिंग करनी है, उसके बाद आपने कटिंग नहीं करनी। और बाज़ लोगों की प्लकिंग ऐसी होती है कि वो डबल होती है, डबल से मतलब ये होता है कि आपके ऊपर की तरफ भी बाल होते हैं और नीचे की तरफ भी बाल होते हैं। तो उससे ये होता है कि जब आप इस तरह बना लें तो फिर आपने ये वाला कोम लेना है और उसको इस तरह फैला देना, सबको फैला देंगे। जैसे ये मेरे नीचे आ रही है ना, उसको फैलाने के बाद आपने ये सीज़र से यहाँ से ये वाली चीज़ें कट कर देनी। लेकिन मेरी सिंगल ही है तो इसलिए ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया है। ये देखिए सिर्फ इतनी सी शेप बनी है। आपने ट्यूज़र की मदद से सिर्फ यहाँ से एक लाइन रिमूव करनी है और यहाँ से बिल्कुल बारीक सी लाइन। तो ये देखिए ये बनने वाली है, ये वाली भी ऐसी, और ये थोड़ी सी ऊपर से सेट की और थोड़ी सी नीचे से सेट की, और कितनी ज़बरदस्त ये जो है ना नीट भी हो गई और हमारी बन भी गई। तो मैं दूसरी प्लकिंग बना के आपके सामने आती हूँ, तो ऐसे करके वो मैं बना के आपके सामने आती हूँ। ओके जी, तो फ्रेंड मैंने ये वाली प्लकिंग भी कर ली है, ये वाली आईब्रो बन चुकी है, ये वाली आईब्रो बन चुकी है। और इसमें आपको बता दूँ कि सबसे पहले जब आपने इस तरफ की कटिंग करनी होगी, इस तरफ की, तो आपने सीज़र को यूँ नहीं यूँ रखना है, ठीक है। यूँ रखेंगे और यूँ कटिंग कर दी, यूँ रखा और यूँ कटिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा बाल लाइट कलर का है तो वैसे लग रहा है जैसे कट लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपने ये वाला जो थ्रेड है इस तरफ यूँ चलाना है, यूँ यूँ निकालेंगे बाल, यूँ यूँ, और जो नीचे के आप करेंगे तो यूँ, ठीक है। इस तरफ से इस तरफ भी लेके आ सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। लेकिन जो बिल्कुल न्यू कमर है जो अभी स्टार्ट करेंगे तो वो बिल्कुल भी नीचे से थ्रेड से नहीं करें, वो इस यूज़र से कर लें। अपनी आईब्रो को इस तरह आपने उठाना है और ये मार्क कर लेना आपने, और आपने बिल्कुल इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो बाल उतारते जाने। जिस तरह आपको मेरी ये वाइट लाइन नज़र आ रही है, मैंने सिर्फ एक ही लाइन रिमूव की है, उसी तरह यहाँ से किया और उसी तरह इस तरफ से और उसी तरह इस तरफ से। तो अब मेरी बनी हुई आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल लाइट सी मैंने बनाई है, बस नीट ही की है, कि बहुत ज़्यादा पतली जो है ना बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो जी, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई एक्साइटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।